नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका चेतक टॉप न्यूज 24 पर स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश में साफ कर दिया कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसान के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसान के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से यह कानून लेकर आई थी। पीएम मोदी ने आगे अपने भाषण के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे सरकार की पहल से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा, हमने अपने ग्रामीण बाजारों को मजबूत किया है, छोटे किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं लाई गई है, किसान के लिए बजट आवंटन 5 गुना बढ़ गया है, हमने सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी धन 2 गुना कर दिया है। हजारों किसान, जिनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, 28 नवंबर 2020 से दिल्ली के कई सीमावर्ती बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। तीन कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमने उन्हें समझाने में काफी कोशिश की, लेकिन किसान नहीं समझ पाए, असमर्थ रहे हम। और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।